ट्रेन के अंदर का जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी हेल्पफुल है। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं जो कि बाकी ट्रेन में नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट। तो ये भी एक चीज़ है कि आपात स्थिति में ट्रेन के पायलट गार्ड से संपर्क करने के लिए स्टील स्विच को दबाया नहीं कि ये जो स्विच दिया हुआ है। चमचमाती एलईडी लगातार लाल हो जाएगी, ये जो बार बार ब्लिंक हो रही है ये बिल्कुल रेड हो जाएगी। एलईडी के हर होने पर ट्रेन पायलट गार्ड से आप बात कर सकते हैं, कोई आपको इमरजेंसी है, कोई चीज़ दिक्कत है तो आप उस सिचुएशन में इनसे बात कर सकते हैं। तो ये है, और बाकी आप देख लीजिए जैसे कि ये वाइपर्स, ये चीज़ें तो ये बता रहे हैं कि हाँ ट्रेन की सफाई पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सफाई अभियान सिर्फ कागजों या भाषणों में नहीं बल्कि अब धरातल पे भी उतर रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि आप दिल्ली मेट्रो के गेट्स में देखते थे कि स्वचालित दरवाजे हैं कि स्टेशन रुकने पर खुलेगा, अननेसेसरी आवक इसमें नहीं है। जिनको दो मिनट के अगर ट्रेन खुली तो 2 मिनट के लिए ही गेट खुल रहा है, बाकी लोग निकलने के बाद गेट अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। तो यहाँ से आप बाहर का व्यू दृश्य दिखा सकते हैं, ये हरियाणा के गाँव से होकर के निकलता हुआ ये काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है, जैसे कि अक्सर हमारे भारत के गाँव में दिखता है। तो वो खूबसूरती को आप महसूस कर सकते हैं हमारी इस जर्नी में। आप देख सकते हैं हर कोच के लिए अलग अलग पेंट्री की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे दूसरी पेंट्री थी जो हमने आपको भी दिखाया था, ये दूसरी पेंट्री है। और चीज़ें वैसी ही हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, ईको फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश है। आइए अब आपको मुखातिब कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। देश के ताज़ा तरीन मुद्दों से लेकर के समाज की तमाम ऐसे मुद्दे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते, उसको अपने वॉल, ट्विटर वॉल से, अपने फेसबुक वॉल पे अक्सर उठाते रहते हैं और सुर्खियों में भी बने रहते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अगर आप इन्हें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का नाम दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस की पहले जत्थे के आप यात्री बन के आपको कैसा महसूस? बहुत गर्व का विषय है भारत के लिए, और इसके लिए विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पीयूष गोयल जी को, जिन्होंने इस साल फरवरी में ही पहले दिल्ली से बनारस के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की, और उसके बाद पहले शिव के दरबार, भोले बाबा के दरबार गए हैं, और आज ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस ये दिल्ली से कटरा के लिए जाएगी। पहले शिव और फिर शक्ति, पहले शिव और शक्ति। तो शिव और शक्ति का संगम बहुत ही अच्छा है हम भक्तों के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो एक देश की इस तरह विकासशील से विकसित, आप भक्तों कह रहे हैं तो भक्तों से कुछ और भी साउंड हो रहा है जी। भक्त तो है ही है, तो भक्त तो आपको पता ही है कि आप यहाँ ये क्लेरिफाई करेंगे किसके भक्ति की बात आप कर रहे हैं? भक्त तो भगवान के ही होते हैं या ऐसे इंसान के होते हैं जो कर्म अच्छे करें, जो अपने आप में नेता कहलाने के लायक हो, जिसका लोग अनुसरण करें। ये आपने अच्छी बात कही कि जिसका अनुसरण करें उसकी भक्ति की जानी चाहिए। तो ये तोहफा रेल मंत्रालय का क्या माना जाए, गांधी जी के 150वीं जयंती पे है या नवरात्रि का है? ये तोहफा हम इस ढंग से हमें देखना चाहिए कि ये भारत की, फिर जैसा पहले कह रहा था कि एक विकासशील देश से एक विकसित देश बनने की यात्रा, तो उसकी दिशा में एक अहम पड़ाव है कि हमारे ही देश में निर्मित एक ट्रेन जो सेमी बुलेट ट्रेन हम जिसको कहते हैं, ट्रेन 18 भी इसका नाम है। तो सेमी बुलेट ट्रेन हमारे देश में चल रही है और इसके लिए कोई बाहरी, कोई विदेशी निवेश नहीं आया, पूर्णतः भारतीय स्वदेशी है। और ये बिल्कुल तोहफा है गांधी जी का, और साथ में एक स्वच्छता के लिए वो भी है। गांधी जी का जिक्र आया तो कल ही जयंती थी उनकी। आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते ही हैं। सोशल मीडिया पे 2 ट्रेंड चल रहे थे, एक तरफ गांधी जी ट्रेंड कर रहे थे, दूसरी तरफ गोडसे ट्रेंड कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे चूज़ करने को कहूँ तो आप किसको चूज़ करोगे? जी गांधी जी को करेंगे। मन में बापू कुछ ऐसा इस ढंग से कल ट्रेंड हुआ था और वो सब ने किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अभी गांधी जी के 150वीं जयंती जो है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसलिए गांधी जी को सपोर्ट करना है या दिल से सपोर्ट करना है? विचार है, पूरा देश अनुसरण करता है जी उसका। तो फिर गोडसे को ट्रेंड कराने वाले लोग कौन है जी, उसके बारे में जानकारी नहीं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा करते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व का विषय है। और सबसे ज़्यादा गर्व का विषय तो ये है कि ये मेड इन इंडिया है, भारत में बनी हुई ट्रेन है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और क्या क्या विशेषताएं इसकी हैं जो आप बताना चाहेंगी दर्शकों को? हमारे विशेषता जैसे मैं वंदे भारत, वैसे ये फेज़ 2 है इसका, मैं पहली बार इसमें ट्रैवल कर रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो इसकी है टाइम एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा। और आज के समय में जिस तरीके से लोगों के पास समय कम है, और जैसे पहले दिल्ली से कटरा जाने के 12 घंटे लगते थे और अब 8 घंटे लगेंगे, 4 घंटे बचाना बेहद बड़ी बात है। तो ये एफिशिएंट है, सुविधाएं जैसे आपको दिख ही रही हैं। आज हम लोगों ने इसे नोटिस किया कि नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले इस ट्रेन में जो लेग स्पेस है, जो स्पेस है, वो काफ़ी अच्छा है। और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं जो बाकी ट्रेनों के मुकाबले इसमें? देख ही सकते हैं आप। देखिए ये टेबल का स्टैंड कितना अच्छा है। मुझे ये टेबल का एरिया बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से हम लोग हमेशा जनरली पीछे बैठते थे, अभी आमने सामने बैठ के लोग बात कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है ऐसा, मतलब जैसे मैंने अभी फ़ोटोज़ भी डाली अगर सोशल मीडिया पे, तो लोग उस पर रिप्लाई करें कि आपकी पहली फ़ोटो देख के तो ऐसा लगा कि आप लोग फ्लाइट में हैं, लगा ही नहीं कि आप लोग ट्रेन में बैठे हैं। तो हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का, माननीय। रेलवे में जैसा कि हमेशा दावा किया जा रहा है कि सुधार हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है रेलवे में वाकई सुधार हो रहा है? नहीं, रेलवे में वाकई सुधार हो रहे हैं कि जैसे अभी हम यहाँ से अम्बाला तक अभी जैसे हमने ट्रैवल करा, तो उस बीच में जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था, मैं काफ़ी दिनों बाद। लेकिन एक समस्या ट्रेनों के लिए रहती थी, तो अभी भी जा रही है। इवन ये ट्रेन खुद भी समय से लेट चल रही है। देखिए आज समय से लेट नहीं चलती, बट आज ये क्या था, इसका इनॉग्रल था, तो और टाइम पे चलना चाहिए था। नहीं, आज इनॉग्रल था, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे मीडिया की चीज़ें थी, उन सबको कवर अप करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, फ्लैग ऑफ करना था, तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ, समय से सिर्फ आधा घंटा लेट हुई है। बट स्टिल जैसे हमारा अम्बाला पहुंचना था हमें 2 घंटे में, बट हम स्टिल अम्बाला समय से 4 मिनट पहले पहुँचे हैं। तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे तो हमने देखा कि एक भाई साहब यहाँ पे कुछ खाते हुए दिखाई दिए हमें। ये रेलवे की तरफ से मिला हुआ आपको? जी बिल्कुल, रेलवे की तरफ से मिला है। क्वालिटी क्या है? बेहद स्वादिष्ट है फूड, और आप देख सकते हैं हमने अपना अलग से भी रखा हुआ है। अच्छा। ताकि आगे का सफ़र भी कटता रहे। तो ये बाकी ट्रेन में जो फूड मिलता है और अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको ये मिला है, इन दोनों में कुछ अंतर? देखिए रेलवे का फूड लगभग हर तरीके से ठीक ही होता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। ये नई ट्रेन चली है यहाँ, ये अमूल का, जैसे अमूल की लस्सी अमूमन तौर पर हमें नहीं मिलती, अमूल की लस्सी मिली है। और आप बॉर्न की ब्राउन ब्रेड देख रहे हैं, सैंडविचेज़ हैं, तो क्वालिटी अच्छी ही है। और जैसे कि पहले काफ़ी शिकायतें मिलती थी फूड को लेकर के, तो आपको लग रहा है कि रेलवे में इस दिशा में काफ़ी कुछ हुआ है या ऐसी चीज़ें चल रही हैं? ये मैं रेलवे में अक्सर सफ़र करता रहता हूँ, शिकायतें आमतौर पर आती रहती हैं, लेकिन ऐसा है कि शिकायतें जब आती हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे कि रेल की यात्रा में सुधार हुआ है। आज हमारी रेल की स्पीड 140 पर पहुँच गई है, तो फूड क्वालिटी में भी जाहिर सी बात है एक परिवर्तन आया है और फूड बहुत अच्छा है। और आज सबसे खास बात यह है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, कई लोग यहाँ पर उपवास रख के आए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराई गई है व्रत का, जैसे कि कईयों के लिए आलू और फलों की व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए की। ये बड़ी बात है, इससे पहले आपने रेलवे में ये पहल नहीं देखी होगी कि जो लोग उपवास रखते हैं उनके लिए भी कुछ खाने की पीने की चीज़ों की व्यवस्था हो, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है रेल मंत्रालय द्वारा, जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी तक जितनी यात्रियों से बात किया, सबके चेहरे पर एक संतुष्टि और खुशी का भाव दिखा हमें। किसी की तरफ से भी कोई कंप्लेन नहीं आई इस ट्रेन के रिगार्डिंग या रेलवे की किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी सही रफ्तार को पकड़ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये रफ्तार जारी रहेगी। चलिए भाई साहब, आपका नाम? सोनू निगम। सोनू निगम जी हाँ, बचपन से ही नाम। अच्छा, नाम ही सोनू निगम, तो ये बहुत अच्छा नाम है। देखिए बहुत यूनिक सा कि सोनू निगम कितने बड़े फ़ैन है कि नाम इन्होंने पूरा उनका उठा लिया, ऐसा ही है कुछ। देखिए जहाँ तक नाम की बात करूँ तो 1994 मेरा बर्थ ईयर है, और उस टाइम मेरे ख्याल से सोनू निगम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तो कॉपी करने जैसे कुछ नहीं है। पापा को अच्छा लगा तो उन्होंने रखा। तो बाद में मुझे लगा कि इस नाम का फ़ायदा है कि लोग मेरे नाम को जल्दी वो भूलते नहीं है और उनके स्मरण में रहता है, इसलिए मैंने उसे चेंज नहीं किया। वंदे भारत एक्सप्रेस की आपकी पहली यात्रा के आप गवाह बन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बेहद ही सुखद अनुभव है इस ट्रेन का। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि फ़्लाइट में भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है जितनी हमें इस ट्रेन में देखने को मिली है ना। मैं इस ट्रेन की कुछ टेक्निकलिटीज़ बताता हूँ कि आप अगर देखें एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेते हैं तो आपके लिए सेपरेट चार्जिंग फैसिलिटी नहीं होती है, आप जहाँ भी बैठते सीट में वो नहीं होती, लेकिन यहाँ हर सीट के नीचे चार्जिंग फैसिलिटी है, जो कि बहुत आज के टाइम में बहुत रेयर है या फिर बहुत ज़रूरत की चीज़ है जो ट्रेन ने मुहैया कराया है। पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर है, फूड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और फूड की पैकेजिंग वगैरह सारी सुविधा अच्छी है। इमरजेंसी सर्विस की बात की जाए तो हर कोच के बाद अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप जाके सीधा लोको पायलट तक अपना संवाद पहुंचा सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको कैमरेज लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पस से, तो बहुत ही अपग्रेडेड ट्रेन है। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार एवं माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी सुविधाजनक ट्रेन का परिचालन किया है। और ट्रेन की डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में कुछ टेक्निकल जानकारी देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम ट्रेन के डिज़ाइनिंग को जहाँ तक देखकर कह सकते हैं कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन जो चलने वाली है, जिसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 से पूर्व चलाया जाना है, तो कहीं ना कहीं उस ट्रेन की छाप हम इस ट्रेन में देख सकते हैं। तो ये थे सोनू निगम जिन्होंने इस ट्रेन के फीचर के बारे में बात की, इसकी टेक्निकल पॉइंट्स पे बात की कि क्या कुछ अच्छा है। ये इन्होंने हमें बताया कि ये वंदे भारत की जो पहली ट्रेन चली थी उसमें और ये दूसरी ट्रेन, दोनों में इन्होंने यात्रा की है, तो इनको इसके बारे में इनको पूरी जानकारी है। सर, ये वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने यात्रियों को? और ये रेलवे देखो, आप भी देख रहे हैं अगल बगल में इतना खुशी लोग बना रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को अभिनंदन कर सकता हूँ उनका विजन के लिए, आज के युवकों के लिए। आप सभी युवक इधर जो आपको पकड़ के मैं बोल रहा हूँ, यू आर सो हैप्पी। पहले एक ज़माना था ट्रेन में जाना बोला तो नाक बन के जाना पड़ता था, आज इसमें चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन है, एवरीबडी इज़ हैप्पी। वही देवी का दर्शन देने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं, देवी का आशीर्वाद सभी के लिए रहने। अभी वैष्णो देवी तक जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। चलिए, और ये इसके बाद वंदे भारत का और अगला रूट कौन सा होगा? और देश में बहुत ऐसा हमारा प्रदेश है, अलग अलग प्रदेश में और 40 ट्रेन छोड़ने का हमारा योजना है, वो अभी जल्दी से वो भी चालू करेंगे। उसकी घोषणाएं अभी नहीं है, अभी नहीं किया है, रेडी होने के बाद करेंगे। एक फाइनल कुछ आप संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे की तरफ से? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, अभिनंदन भी कर सकता हूँ इसके लिए, फॉर युवकों के लिए, विजन के लिए, देवी दर्शन के लिए ये ट्रेन वंदे भारत दिया है ना। देश का 130 करोड़ लोग सोचता है हम भी देवी का दर्शन ले, ये नवरात्रि के अंदर, दसरा के अंदर ये दिया है ना, उसके लिए मैं रेलवे इलाके के सभी कर्मचारियों को और जो इसमें ये वंदे भारत बनाने में योगदान किया उन लोगों को अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस का वो क्लास देखा कि जो नॉर्मल क्लास था, जिसमें कम किराया था और जिसकी फैसिलिटी कुछ कम थी। अब हम एग्जीक्यूटिव क्लास में आ चुके हैं। यहाँ की जो डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे जो बनावट है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्या क्या अलग है, किन मायनों में अलग है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं, वो हम आपको दिखाएँगे। ये देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास का एंट्री है। सबसे पहले हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ की जो डिज़ाइनिंग है, जो यहाँ की बनावट है, वो वहाँ से थोड़ा सा बेहतर है। कलर भी आप देख पा रहे हैं, सीट के चेंज हैं और स्पेसियस है, थोड़ा लेग स्पेस भी यहाँ पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपने देखा था वहाँ की जो चार्जिंग सॉकेट था वो यहाँ नीचे था, लेकिन यहाँ पे जो सॉकेट है वो यहाँ बना रखा गया है ताकि कंफर्ट ये उससे की तुलना में काफ़ी बेहतर है। इसके साथ साथ ये जो सीट है यहाँ पर, ये आप 180 डिग्री पर मूव करा सकते हैं, जैसा कि ये सीट आगे बढ़ रही है। साथ साथ यहाँ की लेग स्पेस ज़्यादा है। और आइए हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे यात्रा करते हुए। ये एग्जीक्यूटिव क्लास में आप यात्रा कर रहे हैं, क्या यहाँ किसकी क्या क्या खूबियाँ, क्या बेहतर है बाकी ट्रेनों की तुलना में, क्या है इसमें अलग, क्या है? एक्चुअली आप इसका सीट्स देखेंगे, देयर एग्रोनॉमिकली डिज़ाइन, मतलब आप जो हेडरेस्ट देखेंगे इसका हाइट ज़्यादा है और आपकी पूरी बॉडी जो है प्रॉपरली सपोर्टेड रहती है। वहाँ की तुलना में ज़्यादा रिलैक्स है। हाँ, ज़्यादा रिलैक्स है। ये हमने सुना सीट मूवेबल भी है। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये सीट पूरी तरीके से रोटेट होकर के 360 डिग्री आप घूम के इधर कर सकते हैं, फिर या फिर आप उधर करते, पूरी रोटेबल है। आप अगर साइड से उधर से व्यू लेना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आप घुमा सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं कि इसकी जो बैठने का स्पेस है और साथ ही साथ ये जो हेडर स्पेस है, ये दोनों ज़्यादा है उसकी तुलना में और काफ़ी रिलैक्स है। मतलब ये एग्जीक्यूटिव क्लास की बनावट ये है। बाकी सारे फीचर्स लगभग सेम है, जैसे कि यहाँ पे टच, ये लाइटिंग का, ये भी सेम टू सेम है। इसके साथ साथ इसकी कलर थोड़ा सा अलग है उससे और बेहतर है। इसका किराया उसकी तुलना में थोड़ा सा डबल है, उसके 1600 समथिंग है और ये 3200 के आसपास इसका किराया है। बाकी सारे फीचर्स, बाकी सारे नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे। आइए कुछ और लोगों से हम बातें करते हैं। सर ये आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। बाकी ट्रेनों की तुलना में क्या कुछ अलग है इसमें जो आपने महसूस किया अभी तक? इसका लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है आप देखिए बैठने में, और ट्रेन सीट इसकी पूरी शिफ्ट हो सकती है, रोटेट भी हो सकती है। हाँ रोटेट भी हो सकती है, बाकी ट्रेन में सिर्फ आपका हेडर स्पेस भी इसमें। हाँ काफ़ी अच्छा है। तो आपको अगर 10 में से मार्क देने तो कितने देंगे? अभी की डेट में तो जितनी इंडियन रेलवे में ट्रेन चल रही है 10 में से 10 मार्क्स इसी के हैं। क्या लग रहा है कि मतलब रेलवे की दिशा दशा सुधर रही है अभी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट के इस काम से इसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? पूरी रेलवे नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप तक, और करने वाले से लेकर डिज़ाइन करने वाले तक सबका एक हिस्सा बनता है इसमें। और सरकार को क्या कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, सरकार को मैं मैसेज कोई नहीं सकता, बट सरकार ने एक गाइडलाइन दी होगी, सरकार का एक विज़न है जिसे भारतीय रेल पूरा कर रही है। तो जैसे कि बाकी रेलवे में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो स्पेशल क्लास की रेलवे चलाई जा रही है, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इनसे उनमें भी कुछ सुधार होने की गुंजाइश है? जब हमारी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं तभी तो हमारे में इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आता है, तो अच्छा देख के हम अच्छा करेंगे ना। तो आपने ये पहली शिफ्ट चुनी यात्रा के लिए, कटरा के लिए? जी जी, कटरा तक जाएंगे। चलिए तो और भी कुछ लोगों से हम बातें करते हैं, जानते हैं बारे में। वंदे भारत गाड़ी हमारी चलाई गई है, उन गाड़ियों से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल है। इसमें आपको दिखाएंगे टेबल्स, आप देखिए जो खाना खाने के लिए सुविधा के लिए, इसमें कोई भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं होगी आने, क्योंकि उस गाड़ियों में थोड़ी सी होती, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा अधिक सुविधा के लिए हमने दिया है हमारी इंडियन रेलवे में। और अभी आप देखेंगे ये बटन भी लगा हुआ है, ये दिखाएंगे, इसको आगे पीछे करने के लिए ये पैर से बटन दबाएंगे तो ये घूम जाएगा। अब जिस तरह से किसी के बच्चे बैठे हैं और मदर एंड फादर बैठना चाहेंगे तो वो इस तरह बैठ करके कोई भी शेयर कर सकते हैं। इसमें इतना कंफर्टेबल दिया है, और ये सारा का सारा श्रेय हमारे परम सम्मानीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जा रहा है, रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब का जा रहा है। ये दिव्यांगों के लिए बनाया गया है जो कि टॉयलेट, आप एक बार आएंगे जरा कैमरा यहाँ पे दिखाएंगे, काफ़ी ट्रेन हिल रही है तो वो हमें खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है, ये काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया है ताकि उनमें कोई समस्या दिक्कत ना हो। और बाकी और आप आगे देख सकते हैं कि ये एक दिव्यांगों के दृष्टिकोण से इसको स्पेशल कोच इधर बना दिया गया है। तो बाकी अभी हम आपको थोड़ी देर में इंजन के पास ले चलेंगे, वहाँ से दिखाएंगे व्यू वहाँ की, क्या कैसे वहाँ पे काम हो रहा है और किस तरीके से इसके हाईटेक इंजन बनाया गया है, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। वंदे भारत एक्सप्रेस के हम बिल्कुल इंजन में खड़े हैं और यहाँ पे दोनों पायलट, लोको पायलट जो कि संचालित करते हैं ट्रेन को, वो लगे हुए हैं और बिल्कुल आपको ऐसा दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं जो कि बाहर की साइड लगे हुए हैं ट्रेन की, वो भी आप अंदर इसका कंट्रोल रूम है। अब हम आपको लेकर आए हैं इस ट्रेन के आखिरी हिस्से में। इस ट्रेन के दोनों साइड में इंजन लगा हुआ है। इसकी सबसे खासियत, इसकी एक खासियत ये भी है कि अभी हमने आपको फ्रंट व्यू दिखाया जहाँ पे लोको पायलट बैठे हुए थे और जो ट्रेन को संचालित कर रहे थे, अभी ये उसका पिछला हिस्सा है। ये जब ट्रेन वापस आएगी तो इधर से फिर इसको संचालित किया जाएगा, तो आप उसका देख सकते हैं पिछला हिस्सा और पीछे से कैसा इसका व्यू आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर कंट्रोल पैनल सब कुछ वैसा ही बना हुआ है जैसे वहाँ पर रखा हुआ है, सारा काम करने का वही प्रोसीजर, वही सारी चीज़ें। और इसमें भी आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे के लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम का ये लगा हुआ है। और यहाँ पे पिछले डिब्बे में जब लोको पायलट नहीं होते तो यहाँ पे गार्ड बैठे होते हैं, तो आप इस ट्रेन के इस वक्त संचालित कर रहे हैं गार्ड यहाँ पे। और सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे देखिए हर जगह पे, हर बोगी में, हर जगह पे सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इतनी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ट्रेन को चलाया जाना। और मौसम देखिए बड़ा खूबसूरत सा हो रहा है, ज़रा एक मिनट आप उधर दिखाएंगे, कितना बढ़िया हवा चल रहा है और बिल्कुल शानदार सा बदली सा मौसम, बिल्कुल देख के किशोर कुमार के गाने से याद आ रहे हैं बिल्कुल हमें, तो वो वाला रोमांटिक सा फील दे रहा है।